सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टेटिस्टिक्स. एग्जाम्पल नंबर वन. अब इसमें तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ एज वी हैव डिस्कस्ड. ओके, फिर एक्सरसाइज तुम करना. तो टू सेव द टाइम, अदरवाइज करना क्या है वो तो हमने समझ लिया है कंसेप्ट में. एग्जाम्पल वन. ओके, तो एग्जाम्पल वन समझते हैं. देख दो, तो अभी मैं कर नहीं रहा हूं. ओके, टू सेव द टाइम. ओके, समझ लेते हैं. फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन. मतलब पहले तो हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डेटा. मतलब तुम्हें क्या क्या चाहिए. मीन तो तुम्हें फाइंड करना ही है, लेकिन पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा. मीन डेविएशन तो फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मीन तो चाहिए ना. अबाउट द मीन है तो मीन फाइंड करना पड़ेगा. ओके, मीन फाइंड किस तरह से करोगे. तो पहले ही पूरा पिक्चर माइंड में ले आओ. फ्लो चार्ट अभी जो हमने बनाया वो कहाँ गया, वो ये रहा. ओके, ये जो हमने बनाया वो कि मीन फाइंड करना है, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा है या अनग्रुप्ड डेटा है पहले तो वो देख लो. ओके, डन. तो ये देख लो सर, अनग्रुप डेटा है, ऐसे ही पता चल गया. वो फ्रीक्वेंसी भी नहीं है. ओके, अनग्रुप डेटा है. अच्छा, अनग्रुप डेटा के लिए सर मीन कैसे निकालते हैं. अनग्रुप डेटा के लिए मीन तो सिंपली हम वही वो डायरेक्ट, हाँ, 1, 2, 3, तो 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, डन. तो वैसे ही करना है फिर बस. तो माइंड में पहले सेट कर लो कि कैसे करना है. तो बस अभी x बार फाइंड करते हैं. देखो 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 8 72 by 8 दैट इज 9. x बार फाइंड कर लिया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो. ये रहा हमारा फॉर्मूला. xi जो है क्या है, पहला 6 है, फिर हमारा आया 9, तो आएगा -3, मोड में से बाहर निकलेगा तो +3, डन. तो एक +3 आएगा, फिर दूसरा आएगा 7 माइनस मतलब 2 आएगा, तो 3 and 2 दोनों का प्लस कर दो तो हो गया 5. फिर अभी और प्लस करने बाकी है, जितने भी हो सबके प्लस करो. डिवाइडेड बाई तुम्हारा जो टोटल नंबर n है वो कर दो, कितने है 8, डन. ओके, यही सिंपल है. ओके, यही चीज है. सो देखो फिर स्टेप 2, तो ये मोर किया एंड ऑल सब कुछ बताया गया है, लेकिन क्या पहले ये 3 आया. 3 कहां से आया, देखो 6 था पहला डेटा. क्या था 6, थोड़ा सा पहला डेटा क्या है, ये हमने फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है, तो n की जगह तो 8 है. अच्छा ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार सबका सम, तो सबका सम कर रहे हैं. ओके, समेशन मतलब सबका सम. तो एक्स आई पहले आई इज इक्वल टू 1, तो 1 क्या है 6. एक्स बार कितना ढूंढ लिया है, वो हमने ढूंढ लिया है 9, तो 6 माइनस 9 -3, -3 मोड में से बाहर निकलेगा तो 3, तो 3 आ गया. 7 माइनस 9 -2 मोड में से बाहर निकलेगा तो +2, 10 माइनस 9 +1 तो +1, 12 माइनस 9 तो 3, 3. समझ में आया कैसे लिखा है, वो सारा लिखा हुआ है. डिवाइडेड बाई 8, 22 by 8 दैट इज 2.75. तो हमने फाइंड कर लिया मीन डेविएशन अबाउट मीन, सिंपल था ये तो. एक मार्क्स में पूछे तो, डन. ओके,